हेलो प्रणाम फैलाग, आप सभी को कैसे हैं? आप सब लोग आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होप कि आप सबने दिवाली बहुत अच्छी मनाई होगी, सबने सेफ दिवाली मनाई होगी, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे, दूसरों के कान भी खराब किए होंगे, क्या करें अब। बाकी आज तो किया होंगे आज मैंने भी साड़ी पहनी है, पता नहीं क्या हुआ है पर हुआ है कुछ तो साड़ी पहनी है मैंने। बाकी और दिन हम सब जा रहे हैं बोलते ना, पर मैं आज ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं, मैं घर में ही हूँ। हाँ, आज 5वां दिन है तो हम मालाएं उतारते हैं और माँ बोल रही थी कि आज जो हमने लक्ष्मी माँ बनाई थी उसको भी हम शवा देंगे, हाँ उनका विसर्जन कर देंगे हम आज और मालाएं उतार देंगे। जितने हमने झिलमिल झिलमिल वाले बल्ब लगाए हैं उनको हटा के उजाला वाला बल्ब लगा देंगे। आज मेरे बाल थोड़े सूटाओं के जैसे लग रहे होंगे क्योंकि मैंने तेल लगाया है, इसलिए कोई बात नहीं, इग्नोर शूटाओ बोलते हैं ना हमारे गाँव में, शिटाओ सिटोला सिटोला, हाँ हमारे वहाँ पे शूटाओ बोलते हैं, शीटाओ हाँ। कैसे हो आप लोग? वो बल्ब ठीक कर रही हैं और माँ की हालत थोड़ी अभी भी ख़राब है क्योंकि पता नहीं माँ के क्या अच्छे नहीं चल रहे हैं कभी माँ का ये दुख रहा है, कभी माँ के आजकल माँ के पैरों में दर्द हो रही है, मीन्स पता नहीं थोड़ी सी फुंसी हुई तो बहुत दिक्कत कर रही है। सबसे पहले हम मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा अगर माता रानी को हमने बनाते हुए दिखाया है तो जब उनका विसर्जन होता है तब भी दिखाया जाए। बस पूजा सुबह होगी माता रानी की, अब माता रानी को विदा करते हैं भगवान, अगले साल फिर आएंगे, अपना धन दौलत सब यही छोड़ के जाएंगे माता रानी। हाँ, फिर अगले साल और ज्यादा लेके आएंगे, धन दौलत देके आए देने के लिए आए हैं वो, और अब यही छोड़ छाड़ के जाएंगे, फिर अगले साल फिर ले आएंगे, अगले साल तक के लिए हो जाएगा अगले साल तक दे दिया। दिवाली के टाइम पे सब आते हैं तो घर भी भरा भरा रहता है, मंदिर में भी माता रानी आती है तो मंदिर भरा भरा रहता है। फिर आज माता रानी चली जाएंगी फिर हमारा मंदिर सुना हो जाएगा, कल पापा चले गए तो घर तो वैसे ही सुना हो गया। ठंड लग रही थी माँ को अंदर, देखने वाले भी कह रहे हैं कितने कपड़े पहना रखे हैं। बस खुल गई माता रानी। बाकी मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी, बहुत टाइम बाद यहाँ आज भिंडी की सब्जी बन रही है, दिखने में तो टेस्टी लग रही है पता नहीं। और इसके साथ बनाएंगी मैं रस भात, रस सिर्फ रस वो हमारा सीक्रेट है, हम सिर्फ रस बनाते हैं बाकी कुछ नहीं बना। बनाऊंगी नहीं बोला तूने, इसके साथ बनाएंगी मैं। बनाएंगी बोला, अच्छा बनाएंगी बोला, इसके साथ बनाऊंगी, वो कभी हो जाता है जी, पलट नहीं पाती है ये, कुछ ज्यादा ही पलट जाती है। हमने छत में पटाखे फोड़ फोड़ के छत का ऐसा हाल किया था, अभी हमको सफाई करनी पड़ रही है। हमने दिवाली के दिन फोड़े और बचे हुए कल रात को फोड़े, तो दिवाली के दिन तो ज्यादा नहीं हुआ पर कल बहुत ज्यादा हुआ। दूसरा झाड़ू नहीं लाए वहाँ, सीखा और नहीं है, गर्मियों का मौसम चले गया है, कूलर की आवश्यकता नहीं है अब, इसलिए हम कूलर को धो धा के अब ऊपर रख रहे हैं, इसकी अब बारी अगले साल ही आएगी जब गर्मी शुरू हो जाएगी। कील है निकालने में, क्या बताए मैंने डालने में, खोलते समय कैसे खोले तूने, कैसे याद है इतना, यहाँ पर तो और कील तो है नहीं, फिर साइड के लिए आज निकलने अकेले कूलर के रगड़ रगड़ के सफाई कर दी है, अब इसको संभाल देंगे अगले साल के लिए। इतनी गंदगी निकली, इतनी गंदगी, इतना देखो ये इस सारा इसके अंदर से निकला है, ये तो चेंज करेंगे, ये चेंज आज इसने अकेले अकेले शायद चीज़ें धो डाली अंदर की,
कूलर भी अकेले धो डाला, किसने बोला भी नहीं। अब बाइक में भी लगा है अकेले अकेले। आज मुझे लग रहा है शायद इसका मूड खराब है, मूड ठीक नहीं चल रहा, किसी से बोल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, बोल नहीं रहा है आज, कहीं का कहीं बोल रहा है आज, कहीं का कहीं बोल रहा है, समझ जाओ कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोलना था, कहाँ बात करनी थी, कहाँ बात कर रहा है, ये इसमें देख के आपको पता चल जाएगा आज क्या हो रहा है। ऐसा मेरे ही समझ में नहीं आ रहा ये आज क्या हो रहा। तभी तो अकेले अकेले लगा है, मैं सोई थी तब भी लगा ही था। हाँ तो फिर मेरे को बुलाने क्यों आया तू? इसकी भी वजह है, मेरे को बुलाने का भी कारण होता है। अरे सोए नहीं थे तुम? सोई थी। फिर उसके बाद देखा तुम उठ गए हो, तो मैंने कहाँ बुलाया तुमको, फिर गड़बड़ लग रही थोड़ा थोड़ा, धुल गई तेरी धन्नो। अब क्या करो, मोटर खोल के आओ। ये देखो मेरे ददूरे के फूल कितने अच्छे खिले हैं। ये कलर बहुत कम मिलता है, वैसे येलो में भी होता है, कलर मिल जाता है, लेकिन इसका ना जो ये है तीन पल्ले वाला है, ये शिव जी को बहुत पसंद है। सफ़ेद भी होता है, येलो भी होता है, हाँ येलो भी होता है, लेकिन पता है बात क्या है, शिव जी को ये सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। इस बार दिवाली को मैं खूब अच्छे रहे, मैंने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा फूल यहीं दिखे, मैंने बांटे भी। हाँ हमारी धुलाई धलाई सब होगी, नीचे की भी ऊपर की भी, साथ में मैंने कपड़े भी धो दिए। लोगों का अभी कपड़े उठा मतलब सुखा के उठाने का काम होता है, और मैं अभी धोती हूँ कपड़े, क्योंकि यहाँ पे दिन में बहुत ज्यादा धूप लग जाती है तो कपड़े बहुत फेड हो जाते हैं, इसलिए मैं रात को ही कपड़े धोती हूँ, फिर उस सुबह 8-9 बजे तक हल्की धूप में सूख जाते हैं। साथ में हमने दिए भी धो दिए, क्योंकि दिए हम धो धा के रख देंगे, अगले साल काम आएंगे। ये हैं दिए, दिए भी चमका दिए हमने, और साथ में थोड़ी सी हमारी रेंस की दाल हो रही थी पीछे, वो भी हमने सुखाई है, एक दो दाल तो हो ही जाएगी। आजकल का मौसम तो ऐसा हो रहा है, धूप दिखती है, जैसी धूप की किरणें गायब अंधेरा हो जाता है, पता नहीं कैसा हो रहा है, 5 बजे 5:30 बजे ऐसा हो जाता है बाहर, पट बोलते ना ऐसी हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और हाँ, जो लाल बटन दिखता है ना बगल में वीडियो देखने के बाद, उसको भी दबा दीजिएगा, उसका कोई टैक्स नहीं लगता, वो फ्री में दब जाता है। ठीक है, बाय।